मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में कोई भी ऑफिशियल काम फोटोकॉपी के बिना अधूरा है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन कब बनी। वर्ल्ड की पहली फोटोकॉपी मशीन का इन्वेंशन चेस्टर कार्लसन ने किया था सन 1959 में। इसमें उनकी मदद उनके दोस्त आर्टो कार्निंग ने की थी और इसका नाम जेरोक्स 914 इसलिए रखा गया था क्योंकि ये 9 इंच और 14 इंच तक की मेजरमेंट वाले पेपर की कॉपी कर सकती थी। ये मशीन एक कॉपी 26.4 सेकंड में करती थी। ये मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने पर आग पकड़ लेती थी। एक अमेरिकन के पॉलिटिकल वर्कर रैल्फ ने तो यह दावा किया था कि उनके ऑफिस में रखी एक जेरोक्स 914 मशीन में 4 महीने में 3 बार आग लगी थी। और आपको शायद हैरानी होगी कि इस मशीन की वजह से कंपनी मशीन के साथ ही खरीदारों को एक छोटा सा आग बुझाने का डिवाइस भी देती थी। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।